हुमांसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आईएलएनएफएस की एक अहम खबर के साथ। आईएलएनएफएस की आज अहम बोर्ड बैठक हुई। बुधवार को होने वाली एनसीएलटी में सुनवाई से पहले आज बोर्ड बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आज की बैठक में कौन से मुद्दे अहम रहे इसके बारे में जानने के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल कुमार से। जी राहुल, बताएं बैठक को लेकर आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो नया बोर्ड है उसको 31 अक्टूबर यानी आने वाले बुधवार को एक फाइनल रिवाइवल प्लान सौंपना था, जिसमें जो आईएलएफएस को इतनी दिक्कतें हो रही थी उसे उभारने का प्लान बताना था। मगर जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही है कि हो सकता है कि जो नया बोर्ड है वो थोड़ा और वक्त मांगे एनसीएलटी मुंबई से। इसके पीछे कारण यही है कि जो आईएलएफएस है इसका 348 सब्सिडियरी कंपनीज है, जिसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी जटिल हो रहा है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 1 अक्टूबर को एनसीएलटी गया था, जिसके बाद एनसीएलटी की परमिशन से पुराने बोर्ड को हटाकर एक पूरी तरह से नया बोर्ड बिठाया गया था। नया बोर्ड 31 तारीख अक्टूबर को एक फाइनल रिवाइवल प्लान देने वाला था। इस बीच में कई सारी चीज़ों में कई सारे एडवाइजर्स को भी अपॉइंट किए गए। जो हमारे सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि जो एडवाइजर्स ने कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उसके बारे में बताया है कि इनको बेचकर एक अच्छा खासा पैसा जुटाया जा सकता है और जो लिक्विडिटी की समस्या है उसको खत्म किया जा सकता है एक थोड़े ही दिनों के लिए। और इससे जो सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी 31 अक्टूबर को जो आईएलएफएस की जो नई बोर्ड है वो एक इंटरिम जो रिवाइवल प्लान है वो एनसीएलटी मुंबई को देगी। अगर पूरे डेट की बात करें तो करीब करीब 51,000 रुपये का डेट है आईएलएफएस के बोर्ड पर मार्च 2018 तक। जी बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते